सब्सक्राइब करिए मिस्टर टेकी को और बेल आइकन को दबाइए मेरी वीडियोस को देखने के लिए सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मिस्टर टेकी, एक और टेक वीडियो अपने चैनल पर लेकर आया दोस्तों। यहां मैं कर रहा हूं स्पीड टेस्ट और कंपैरिजन दो डिवाइसेस के बीच में, Xiaomi का Redmi 5 Plus और यहां पर है Huawei का Honor 7X। जी हाँ दोस्तों, यहां पर मेरे पास प्ले स्टोर का अब सपोर्ट नहीं था, मैंने वो कंप्लीट कर लिया है। सो अब ये गूगल प्ले स्टोर से मैंने सारी एप्स को डाउनलोड किया है एंड इट इज वर्किंग एब्सोल्युटली फाइन। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों कंपैरिजन की विद रिस्पेक्ट टू दी परफॉर्मेंस पैरामीटर्स एंड डिस्प्ले। तो डिस्प्ले में यहां पर Honor 7X में मिलता है आपको 5.93 इंच का एक FHD+ डिस्प्ले। ये एक IPS LCD डिस्प्ले है, यानी जो आपको डिस्प्ले रेजोल्यूशन मिलती है वो मिलती है 1080x2160 और पिक्सल डेंसिटी है 407 पिक्सल पर इंच। यहां पर आए Xiaomi Redmi 5 Plus में 6 इंच का डिस्प्ले लगा है, ये भी एक FHD+ डिस्प्ले है, IPS LCD डिस्प्ले है और यहां भी रेजोल्यूशन मिलती है आपको 1080x2160 बट पिक्सल डेंसिटी है 402 पिक्सल पर इंच। बात करते हैं दोस्तों परफॉर्मेंस पैरामीटर्स की। यहां पर आपको मिलता है Honor 7X में हाई सिलिकन Kirin 659 जो एक ऑक्टा कोर चिपसेट है और मैक्सिमम क्लॉक फ्रीक्वेंसी मिलती है 2.36 गीगाहर्ट्ज की और इसमें आता है Qualcomm Snapdragon 625 चिपसेट। ये क्लॉक्ड है 2 गीगाहर्ट्ज पर और ये भी एक ऑक्टा कोर चिपसेट है। ये जो वेरिएंट है वो आता है 4GB रैम के साथ और यहां पर भी है 4GB रैम, 64GB इंटरनल मेमोरी और यहां पर है 32GB इंटरनल मेमोरी। उसके अलावा दोस्तों मैं सॉफ्टवेयर यहां पर आपको दोनों में दिखा देता हूं। राइट, जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पर रन कर रहा है MIUI 9.2 स्टेबल वर्जन और उसके अलावा यहां पर मैं बात करूं यहां रन कर रहा है 7. एंड्रॉइड नूगट के ऊपर EMUI का 5.1 वर्जन। सो दोनों ही वैसे एंड्रॉइड नूगट पे काम करते हैं, दोनों में ही अपनी अपनी स्किन्स लगी हुई हैं। सो फिलहाल दोस्तों अब परफॉर्मेंस राउंड हम यहां पर देखेंगे कि कैसा रिस्पॉन्स आता है दोनों फोन्स का। सबसे पहले चलते हैं यहां पर रीबूट टेस्ट की तरफ, दोनों फोन्स को सेम टाइम पे ही रीबूट करेंगे और टेस्ट करते हैं कि कौन सा फोन जल्दी रीबूट होता है। सो लेट्स स्टार्ट 1 2। राइट दोस्तों, यहाँ Huawei Honor 7X ने जल्दी रीबूट किया है, बहुत फ्रैक्शन ऑफ सेकंड जल्दी था, ज़्यादा डिफरेंस नहीं था दोनों डिवाइसेस के बीच। सो प्रॉब्ली बट जो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड जल्दी था इसलिए ये राउंड जाता है Huawei Honor 7X को। सो नेक्स्ट यहाँ पर हम देखते हैं दोस्तों फिंगरप्रिंट सेंसर्स को, दोनों में ही रेयर में फिंगरप्रिंट सेंसर्स लगे हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं। सो दोनों डिवाइसेस को फिंगरप्रिंट सेंसर्स को यहाँ पर टेस्ट करते हैं और देखते हैं कौन सा फ़ोन जल्दी अनलॉक करता है। मैंने दोनों में अपनी फिंगर्स को रजिस्टर कर दिया है। सो लेट्स स्टार्ट 1 2। ऑलराइट, सो यहां पर सेम ही रिस्पॉन्स है दोनों फोन्स का। राइट, सो आई एम नॉट एबल टू फिगर आउट कि कौन सा फोन जल्दी अनलॉक हो रहा है बट मेरे हिसाब से दोनों फोन्स का रिस्पॉन्स बिल्कुल ही सेम आ रहा है यहाँ पर। सो चलिए दोस्तों अब चलते हैं स्पीड टेस्ट की तरफ। यहाँ पर मैं साइड बाय साइड एप्स को लोड करूंगा, फिलहाल आप देख सकते हैं बैकग्राउंड में कोई भी एप्स रन नहीं कर रही है। सो स्टार्ट करते हैं कैम स्कैनर से 1 2 3। ऑलराइट, हल्का जल्दी था यहाँ पर। ट्राई करते हैं व्हाट्सएप, ओके यहाँ पर जल्दी लोड हुआ है। ट्राई करते हैं स्नैपचैट, अगेन यहाँ जल्दी लोड हुआ है। ट्राई करते हैं अमेज़न, ऑलराइट यहाँ पर जल्दी लोड हुआ है Honor 7X में। ट्राई करते हैं गूगल क्रोम, राइट यहाँ पर वेबसाइट लोड हो चुकी है एंड दिस इज टेकिंग टाइम। जनरली ये पार्ट जरूर स्लो होता है, मैंने जनरली ये देखा है इस फोन के अंदर। नेक्स्ट ट्राई करते हैं इंस्टाग्राम, अगेन जल्दी हुआ है Honor 7X में। ट्राई करते हैं ट्विटर, ऑलराइट सो दैट वाज फास्ट हेयर। नेक्स्ट ट्राई करते हैं फेसबुक, सेम ही था दोस्तों दोनों फोन्स में। नेक्स्ट ट्राई करते हैं उबर, ऑलराइट जल्दी था यहां पर। ट्राई करते हैं हॉटस्टार, ऑलराइट हल्का जल्दी लोड हुआ है यहाँ पर। नेक्स्ट ट्राई करते हैं फ्लिपकार्ट, सेम ही था दोस्तों दोनों फोन्स के अंदर। नेक्स्ट ट्राई करते हैं शैडो 5 2, ऑलराइट जल्दी लोड हुआ है यहाँ पर।
अपलोड हुआ है यहाँ। नेक्स्ट ट्राई करते हैं ड्रैगन हिल्स 2। राइट, सो हल्का जल्दी था यहाँ पर रेडमी 5 प्लस में। नेक्स्ट ट्राई करते हैं मॉडर्न कॉम्बैट 5। राइट, हल्का सा जल्दी था यहाँ ऑनर 7X में एज कम्पेयर टू रेडमी 5 प्लस। ट्राई करते हैं एसफॉल्ट 8। हल्का जल्दी था मुझे लगता है रेडमी 5 प्लस में एज कम्पेयर टू ऑनर 7X। नेक्स्ट ट्राई करते हैं सबवे सर्फर। राइट, जल्दी लोड हुआ है रेडमी 5 प्लस में और अब लोड हुआ है ऑनर 7X में। नेक्स्ट ट्राई करते हैं यहाँ प्ले स्टोर। सेम ही था दोस्तों दोनों फोन्स में। ट्राई करते हैं सेटिंग्स। राइट, यहाँ पर जल्दी खुली है। ट्राई करते हैं कैमरा ऐप। राइट, जल्दी खुला है यहाँ पर। और यहाँ दोस्तों मैंने देखा है हुआवी ऑनर 7X में कैमरा ऐप काफी ज्यादा टाइम ले रहा है ओपन होने में। और लास्ट ट्राई करते हैं मैसेजिंग। राइट, मुझे लगता है हल्का जल्दी था यहाँ रेडमी 5 प्लस में। सो राइट दोस्तों, यहाँ पर स्कोर्स आपके सामने हैं। सो मेरे हिसाब से ऑनर 7X कुछ 5 से 10% फास्ट है रेडमी 5 प्लस से, बट इतना ज्यादा भी डिफरेंस नहीं है दोनों फोन्स में। चलिए अब चलते हैं रैम मैनेजमेंट राउंड की तरफ और देखते हैं कि कौन सी ऐप्स रैम से खुलती हैं और कौन सी ऐप जो है दोबारा लोड होती है। सो यहाँ पर जनरली मैंने देखा है ऑनर 7X काफी अच्छा परफॉर्म करता है। सो ट्राई करते हैं कैम स्कैनर। राइट, दोनों में ही दोबारा से ऐप लोड हुई है। ट्राई करते हैं गूगल क्रोम। राइट, यहाँ पर देखिए ये चल रही है रैम में और यहाँ पर दोबारा लोड हुई है। नेक्स्ट ट्राई करते हैं फेसबुक। अगेन यहाँ देखिए रैम से ही लोड हुई है ऐप और यहाँ दोबारा लोड हुई है। नेक्स्ट ट्राई करते हैं अमेज़न। अगेन देखिए ऐप नहीं, राइट, दोबारा लोड हुई है यहाँ पे। पूरी तरह लोड नहीं हुई, दोबारा हाफ लोड हुई है। यहाँ पर ये ऐप पूरी ही लोड हुई है दोबारा से। नेक्स्ट ट्राई करते हैं शैडो फाइट 2। अगेन यहाँ पर ऐप रैम में चल रही थी बट यहाँ पर देखिए दोबारा लोड हो रही है। नेक्स्ट ट्राई करते हैं ड्रैगन हिल्स 2। अगेन यहाँ पर दोनों में ही ऐप जो है दोबारा से लोड हो रही है। सो कुछ राउंड से ही हमें समझ में आ जाता है कि रैम मैनेजमेंट थोड़ी सी बेटर है ऑनर 7X की एज कम्पेयर टू रेडमी 5 प्लस। तो ये था दोस्तों स्पीड टेस्ट और कंपैरिजन दोनों डिवाइसेस के बीच, Xiaomi का रेडमी 5 प्लस और Huawei का ऑनर 7X। थोड़ा सा बेटर परफॉर्म कर रहा है Huawei का ऑनर 7X स्पीड टेस्ट के राउंड्स में एज कम्पेयर टू रेडमी 5 प्लस। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करिए एंड शेयर करिए इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ और ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।